हेलो भाई लोग, आप सभी कैसे हैं? और आपका एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं जो लेके आया हूँ बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ, वन प्लस 660 में आप मैजिक्स मैनेजर कैसे इंस्टॉल कर पाओगे अगर आपने अपना मोबाइल एंड्रॉयड 11 स्टेबल बिल्ड पे अपडेट कर लिया है तो। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, हम ज़्यादा भसड़ नहीं बचाएंगे, मीन्स ज़्यादा बड़बड़ नहीं करेंगे, तो आपको टू द पॉइंट आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो कहीं से कहीं भी कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है, जैसे कि आप मोबाइल देख पा रहे हो एंड्रॉयड 11 है। ठीक, एंड्रॉयड 11 का स्टेबल बिल्ड मेरे में इंस्टॉल हो रखा है। और यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, बिल्ड नंबर पर 7 times क्लिक करना है और आपको डेवलपर ऑप्शन ऑन करना है। ठीक है, अगर आपके मोबाइल में ऑलरेडी ऑन है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो आप उसमें अपना डेवलपर ऑप्शन ऑन कर लीजिएगा। ओके, डेवलपर ऑप्शन ऑन करने के बाद में हम डेवलपर ऑप्शन में जाएंगे और वहाँ पे जाके हमें दो सेटिंग्स ऑन करनी है। जैसे कि आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, डेवलपर ऑप्शन में हमने गए हैं और यहाँ पे हम ऑन करेंगे एडवांस रिबूट का ऑप्शन और दूसरा है USB डिबगिंग। ठीक, तो दो ऑप्शन आप अनेबल कर लीजिएगा। ठीक, ओके, तो आगे दूसरे स्टेप पे जाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ अपने मोबाइल में कि मेरा मोबाइल ऑलरेडी रूटेड है कि नहीं है। तो रूट चेकर एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप देख पा रहे हो कि मेरा मोबाइल एंड्रॉयड 11 पे काम कर रहा है, 1+6A6000, और ये कह रहा है भाई सॉरी रूट एक्सेस इज़ नॉट प्रॉपरली इंस्टॉल्ड। सो नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको ज़रूरत पड़ेगी वुल्वरिन की, नहीं पड़ेगी भैया, कंप्यूटर महाशय की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में ADB ड्राइवर इंस्टॉल करने का है। ADB ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करना है वो आप गूगल कर लीजिएगा। ठीक है, आसानी से कोई भी ट्यूटोरियल आपको मिल जाएगा और वहाँ से आपको फाइल्स भी मिल जाएंगी ADB ड्राइवर्स की। तो वो इंस्टॉल करने के बाद में मोबाइल में लैपटॉप में या फिर जो भी आपका डेस्कटॉप है, व्हाटएवर जो भी है, और एक फाइल में आपको लिंक में शेयर करूंगा पैच बूट इमेज मैजिस का जो रहेगा 1+660 के लिए। तो 6 का अलग रहेगा, 60 का अलग रहेगा। तो ADB का जो फोल्डर है सी ड्राइव में, उसके अंदर वो फाइल आपको सेव कर लेने का है। ठीक है, तो ये सब कुछ करने के बाद में आपको अपना मोबाइल लेना है। मोबाइल में एडवांस रिबूट हमने ऑलरेडी ऑप्शन अनेबल किया था, पावर बटन को थोड़ी देर दबा के रखेंगे और ऊपर जो 3 dots आ रहे हैं उस पर क्लिक करके बूट लोडर पर क्लिक करना है। ठीक है, बूट लोडर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आपका मोबाइल बूट लोडर में रिबूट हो जाएगा, मीन्स फास्ट बूट मोड में रिबूट हो जाएगा। ओके, सो हमारा मोबाइल फास्ट बूट मोड में बूट हो गया। और इसके बाद में आपको क्या करना है, अपना मोबाइल आपकी टाइप सी केबल से और कंप्यूटर लैपटॉप जो भी है आपके उससे कनेक्ट कर देने का है। जैसे आप कनेक्ट करोगे तो सेम फोल्डर ओपन करके रखिएगा, ADB फोल्डर जिसमें आपने अपना पैच बूट इमेज सेव करके रखा है, उसी फोल्डर में ऊपर आपको कमांड जो बार है उसमें CMD टाइप करना है। ओके, CMD टाइप करोगे तो एक कमांड बार खुल जाएगा, उसके बाद में आपको उसमें टाइप करना है फास्ट बूट डिवाइसेस। ये जैसे ही आप टाइप करोगे तो आपको एक सीरियल नंबर लिख के आएगा और आगे लिख के आएगा फास्ट बूट। ठीक है, तो यानी कि आपका डिवाइस कनेक्ट हो रखा है लैपटॉप या PC से, व्हाटएवर जो भी है। इसके बाद में आपको वो फाइल सेलेक्ट करना है जो पैच बूट इमेज का है और उसको रीनेम पे जाके उसको कॉपी कर लेने का है। ठीक है, उसका जो नाम है वो कॉपी करना है। नाम कॉपी करने के बाद में, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें बाद में पड़ेगी, इसके बाद में आपको कमांड प्रॉम्प्ट फिर से ओपन करना है और उसमें लिखना है फास्ट बूट स्पेस फ्लैश स्पेस बूट स्पेस, जो फाइल का नाम कॉपी किया था उसको पेस्ट करना है Ctrl+V से और .img लिखना है उसके बाद में, और यहाँ पे आपको एंटर मारना है। जैसे ही आप एंटर मारोगे ये जो पैच बूट इमेज है वो आपके मोबाइल में लोड हो जाएगी। वो लोड होने के बाद में आपको फिर से कमांड इशू करना है, लिखना क्या है आपको फास्ट बूट स्पेस और रीबूट। तो जैसे ही आप ये कमांड लिखने के बाद में एंटर मारोगे तो आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली रीबूट होना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरा मोबाइल रीबूट होना स्टार्ट हो गया है। इसके बाद में आपको ये लाल वाली केबल की कोई ज़रूरत नहीं, इसको उठा के फेंक सकते हो, मतलब यहाँ से उठा के फेंक सकते हो, वैसे मत फेंकना वरना चार्ज नहीं कर पाओगे फ़ोन। ठीक है, तो भाई ये करने के बाद में आपका मोबाइल ऑटोमेटिकली रिबूट होना स्टार्ट हो जाएगा। मोबाइल खुलने के बाद में अभी धमाल हो जाएगा, तो आप सब लोग भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना मेरा चैनल, यार इतना तो कर ही सकते हो। ओके, तो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है और ये किसका आधार है,
ठीक है, ऑन होने के बाद में आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में मैजिक्स मैनेजर का एपीके इंस्टॉल कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, तो मैजिक्स मैनेजर इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये एडिशनल फाइल सेटअप करने के लिए कुछ बोलेगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, तो इसको चुपचाप ओके कर दीजिएगा, क्योंकि आपने पैच मूड इमेज जो है इंस्टॉल किया था, तो भारत मिलाप करने के लिए टाइम तो चाहिए, तो इसको ओके कर दीजिएगा। आपका मोबाइल फिर से रिबूट हो जाएगा एक बार, तो जितनी भी फाइल्स होंगी बैकग्राउंड में अपना हिसाब से जो भी सेटिंग बाजी करनी है उसके पैच बूट इमेज के साथ में कर लेगा। ठीक, रिबूट हो गया हमारा फ़ोन और मैजिक्स मैनेजर ऑन करके हम चेक करेंगे कि सेफ्टी नेट हमारा पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट में लगभग जहाँ तक है आपके पास फेल का ही पॉपअप आएगा, तो ये कैसे पास करना है मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। उसके इससे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारा रूट प्रिविलेज हमको मिल गया है कि नहीं मिल गया है। तो रूट चेकर ऐप हम ऑन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सुपर यूज़र का रिक्वेस्ट ने कर दिया, और वो कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, आप लोग सुपर यूज़र बन चुके हो। कम से कम अब तो सब्सक्राइब कर लेना यार, सुपर यूज़र बना दिया है। ओके, तो अभी हम सेकंड जो हमारी प्रॉब्लम थी उस पे आते हैं। इसमें मैजिक्स फिर से ओपन करना है और वहाँ से आपको मैजिक्स हाइड पर क्लिक करना है, और दूसरी बात इसको रीपैकेज कर देने का है नाम इसका, और जो भी आपका नाम आप डालना चाहो वो डाल दो। ठीक है, गर्लफ्रेंड का नाम भी डाल सकते हो। ओके, तो हमने तो सेटिंग्स ही डाल दिया था जो इसने रिकमेंड किया था। सो सेटिंग्स ओपन करने के बाद में फिर से हम चेक करेंगे सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट पे अभी आप जब क्लिक करोगे तो भाई मज़े आने वाले हैं, आपका सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी जो प्रॉब्लम रहेगी गूगल पे, जी पे और बैंक का एप्लीकेशन, ये वो जो भी कुछ है, तो वो सारी आपको यहाँ से सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि आपका सेफ्टी नेट पास हो जाएगा। और अच्छा, एक चीज़ और है, हम गूगल प्ले स्टोर पे जाके और देख लेते हैं कि डिवाइस इज़ नॉट सर्टिफाइड लिख के आ रहा है अभी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। तो ये प्रॉब्लम के लिए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अपना मैजिक्स में ओपन करने के बाद में और हाइड में जाके गूगल प्ले सर्विसेज को और गूगल प्ले स्टोर को ऐड कर देना। ठीक है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, जितने भी कंपोनेंट हैं सबको ऑन कर देने का है। ठीक है, और यहाँ पे सिस्टम ऐप को अनेबल करने के बाद में जैसे ही ऊपर क्लिक करोगे नीचे सिस्टम ऐप का ऑप्शन आ जाएगा एक, ये इस पर क्लिक करने के बाद में सारी सिस्टम की एप्लीकेशन खुल जाएंगी और यहाँ पे आपको गूगल प्ले स्टोर का ऑप्शन मिल जाएगा। वो ढूंढने के बाद में उसको भी अनेबल कर देने का है, अभी तक नहीं मिला, बहुत नीचे है यार। ठीक है, ये हमको मिल गया है, इस पर क्लिक करेंगे, जितने कंपोनेंट हैं सबको अनेबल कर देंगे। ठीक, तो इसको करने के बाद में आपको अभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इसमें क्या करना है, एक बार रीस्टार्ट कर लेना अपना फ़ोन, और अच्छा रीस्टार्ट स्किप कर देते हैं। रीस्टार्ट करने के बाद में आपको ये प्ले स्टोर की सेटिंग्स ओपन करनी है और यहाँ से आपको उसका क्लियर कैचे और क्लियर डाटा कर देने का है। ठीक, और अब गूगल प्ले स्टोर ऑन करके देखना। ठीक है, सेटिंग्स में जाने के बाद में फिर से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अबाउट फोन में जब आप जाओगे तो डिवाइस सर्टिफाइड लिख के आ जाएगा। तो भाई आपकी सारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है, व्हाटएवर जो भी जिसको भी मैजिक्स यूज़ करना है वो आप इजीली अब यूज़ कर पाओगे, और रूट चेकर एप्लीकेशन में भी सारी चीज़ें काम कर रही हैं, सेफ्टी नेट में भी आपको सारी चीज़ें काम करती हुई मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरह का कुछ वीडियो था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो भाई प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, और चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये थोड़ा बहुत जो भी एक गरीब आदमी का जो भी कंटेंट है वो पसंद आ जाता है तो ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा चैनल को। अभी बहुत कम सब्सक्राइबर हुए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं हुए हैं। ओके, तो काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको इस रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें देखनी है, मींस एंड्रॉयड 11 का कैसा परफॉर्मेंस है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हो। वन प्लस 6 का और इवन सैमसंग का भी प्लेलिस्ट एक मैंने बना रखा है डेडिकेटेड, और अभी आजकल मैं सैमसंग से रिलेटेड जितने फ़ीचर्स हैं वो भी मैं उनका एक एक करके वीडियो डाल रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर। तो आई नो कि बहुत लंबा वीडियो हो गया है, 9 मिनट का वीडियो हो चुका है ऑलरेडी, तो ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, शुरू में बोला था। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद।